सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं शुभम जी, प्रिंस जी, प्रतिभावान दिव्यांग। एक कहानी दोस्तों, इस कहानी में हर रोज हम लोग 8 बजे जुड़ते हैं और लाते हैं आपके लिए एक विशेष कहानी जो हमारे दृष्टिबाधित साथियों की होती है, जो कुछ विशेष कर रहे हैं हमारे इस विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लिए। तो सर बहुत बहुत वेलकम है। प्रिंस जी, शुभम जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे हैं हम, आप बताइए। जी 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 तो सबसे पहले प्रिंस जी, शुभम जी, आप दोनों में से हम शुभम जी से जुड़ते हैं और शुभम जी से जानते हैं जानना चाहेंगे। हालांकि आपका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन हमारे श्रोताओं को बताएं कि आप अपने फैमिली के बारे में और कहां से हैं आप। सभी को नमस्कार, मेरा नाम शुभम कुमार है और मैं बिहार से हूँ। जी जी जी। और मैंने गवर्नमेंट ब्लाइंड हाई स्कूल से अपनी 10th कंप्लीट की थी। जी जी जी। फिलहाल मैं अभी 12th में हूँ। जी जी। और मैं स्टडी विद वीआई के संपर्क कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, स्टडी विद वीआई। जी जी जी। तो अब प्रिंस जी से जुड़ेंगे। प्रिंस जी, आप भी बताएं अपने, हमारे श्रोताओं को बहुत उत्सुक है श्रोता जानने के लिए आप लोगों का जो वर्क है। जी हाँ जी हाँ जी। सबसे पहले सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार जी। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और मैं बिहार से हूँ। और मैंने भी अपनी 10th तक की शिक्षा गवर्नमेंट हाई स्कूल से की है और फिर मैंने 12th किया दिल्ली बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से। और अभी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ सिरोडीमल कॉलेज से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी, प्रिंस जी, ये पूरी जानकारी के देने के लिए। तो चूँकि जो बात है, जो बातें हैं, वो सबसे पहले शुरुआत यही होती है, क्योंकि आप सभी, आप दोनों लोग दृष्टिबाधित हैं, तो कैसे ये कॉन्सेप्ट जागृत हुआ कि जो दृष्टिबाधित दूसरे दृष्टिबाधित साथी हैं उनको एजुकेट करने का, उन्हें शिक्षित करने का, ये भावना कैसे जागृत हुई, कब जागृत हुई, कब आप लोगों ने सोचा इस विषय पर? जी शुभम जी, पहले जी। एक्चुअली लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में सारी जो क्लासेस थी ऑफलाइन लेवल की सारी नहीं हो पा रही थी। जी, जी। लोग घर में बैठे रहते थे। तो एक कह सकते हैं रेवोल्यूशन आया, एक क्रांति आ गई उस टाइम पर ऑनलाइन क्लास की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त हम लोगों के पास जो भी स्किल्स था, फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम ऑनलाइन स्टार्ट करें। जब हम अलग अलग ऑनलाइन क्लासेस में गए, एक दो लोगों ने स्टार्ट किया था इंडिविजुअली, तो हम उन क्लासेस में गए तो थोड़ा सा मैनेजमेंट वगैरह देखा हमने और जैसा भी था उनका देखकर हमने उसमें बहुत कुछ इम्प्लीमेंट करके सुधार करके हमने सोचा कि क्यों ना हमारे पास जो जानकारी है हम उसे दूसरों के साथ साझा करें। क्या बात है, इससे हमारी कम्युनिटी के का जो है सुधार होगा और आगे जाएगी। तो इसलिए हमने, हम सभी फ्रेंड्स ने मिलके ये शुरू किया था। टीम का नाम स्टडी विद वीआई था और ने 21 नवंबर 2020 को हम लोगों ने शुरू किया था। 21 नवंबर 2020 से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। अच्छा अच्छा। तो प्रिंस जी से जुड़ना चाहेंगे। तो प्रिंस जी, आप शुभम जी के साथ, या दूसरे शब्दों में बोलूं कि इस प्रोग्राम के साथ आप कैसे जुड़े, कैसे आपका जुड़ा हुआ इस प्रोग्राम के साथ? एक्चुअली बात ऐसी है कि हम दोनों एक स्कूल से ही पढ़े हैं। मैं 2020 में ही पास आउट हो गया था 10th से। और ये शुभम जो है ये उसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे जब मैं पास आउट हुआ था। तो जब मैं पास आउट हुआ था तो हमारी बातचीत होती रहती थी इनसे कॉल पे। तो जैसा कि अभी शुभम सर ने बताया कि लॉकडाउन लग गया था तो फिर सारी क्लासेस ऑनलाइन मोड में चलने लगी थी। तो हमारा भी मन किया कि हमें भी कुछ करना चाहिए इस फील्ड में हमारे ब्लाइंड समाज के लिए। तो फिर हम लोगों ने ये कदम उठाया। अच्छा, दोनों लोगों ने मिलकर इसे स्टार्ट किया, ऐसा नहीं कि आप बाद में जुड़े? नहीं नहीं नहीं, हम लोग साथ में ही स्टार्ट किए थे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अगला प्रश्न मेरा शुभम जी से है। तो शुभम जी, ये बताइएगा, जैसे आपने सोचा है इसको स्टार्ट करने के लिए कि चलो यार हम भी ऐसे ऑनलाइन मोड में बच्चों को कुछ सिखाएं, कुछ बताएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हमारे ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए, ऐसा हर कोई नहीं कर पाता है, तो इसके लिए आपने सबसे पहला स्टेप क्या उठाया, मतलब किस स्टेप से आपने शुरुआत की और किस स्टेप तक आप गए, मैं श्रोताओं को बताएं।
ओके तो सर जैसे हमने इस टीम को स्टार्ट किया था, जैसे हमने सोचा था कि हम ब्लाइंड फील्ड में कुछ करें, तब सबसे पहले हमने देखा कि हम लोगों से जुड़े, अलग अलग ग्रुप्स में जुड़े, तो हमने देखा कि अभी लोगों को बहुत समस्या आ रही है इंग्लिश में, इंग्लिश स्पोकन में बहुत समस्या आ रही है। तो हमने सबसे पहला स्टेप वही उठाया था कि हमने इंग्लिश स्पोकन स्टार्ट किया। बहुत से छात्र जुड़े थे हमारे साथ और इंग्लिश स्पोकन स्टार्ट किया है। फिर धीरे धीरे लाके हम क्लास तो करवाते ही हैं, फिर थोड़ा कुछ फन और कुछ इंटरेस्टिंग सर्वे किया जाए, तो फिर हमने एक क्विज कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज किया जनवरी में। अच्छा, क्विज कंपटीशन जी 2021 जनवरी। ये व्हाट्सएप के थ्रू होता था? नहीं, हम ऑनलाइन लेते थे, अच्छा ऑनलाइन, डायरेक्ट हम वीडियो कॉल में जुड़ते थे सभी अच्छा और अच्छा क्वेश्चन आंसर्स होते थे, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो हमने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे अब हमने सोचा कि इंग्लिश से तो कुछ नहीं हुआ, धीरे धीरे हमने देखा कि अब लोगों को कंप्यूटर स्किल्स भी चाहिए। फिर हमने बेसिक कंप्यूटर स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे मैं एंड्रॉइड मोबाइल, क्योंकि बहुत से लोग एंड्रॉइड मोबाइल में बस व्हाट्सएप यूट्यूब यूज करते थे, लेकिन उनको पूरी टॉक बैक की सेटिंग्स वगैरह नहीं आती थी। फिर हमने एंड्रॉइड मोबाइल स्टार्ट किया, कंप्यूटर एंड्रॉइड एंड इंग्लिश के बैचेस सब तक आ चुके थे। फिर हमने देखा कि कुछ एडवांस जो है कोर्सेज की डिमांड भी आ रही है। फिर हमने देखा कि वेब डेवलपमेंट, जो वेबसाइट वगैरह बनती है, उस फील्ड में भी ब्लाइंड पर्सन जाना चाहते हैं। तो हमने उस फील्ड में भी लोगों को ढूंढा, टीचर्स को ढूंढा और लोगों की सहायता की, और हमने वेब डेवलपमेंट का भी बैच स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे ऐसे ही इंग्लिश के भी बैचेस, कंप्यूटर के बैचेस आते गए। हमने वीडियो एडिटिंग का भी करवाया, हिंदी टाइपिंग करवाया, एक्सेल वगैरह, और धीरे धीरे ऐसे ही सारे बैचेस चलते गए। और अभी हमारे पास वैरायटी ऑफ कोर्सेज है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा कोर्सेज आप लोगों ने ये सोचा, मतलब जैसे जैसे नीड रही हमारे ब्लाइंड कम्युनिटी में, आप लोगों ने वैसा वैसा काम शुरुआत करते गए। हाँ जी बिल्कुल। तो प्रिंस जी, आपसे जुड़ना चाहेंगे, आप थोड़ा सा वेब डिज़ाइनिंग के बारे में, हमारे श्रोता, बहुत सारे श्रोता नहीं जानते हैं वेब डिज़ाइनिंग क्या चीज़ है, और तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि मतलब कैसे कैसे कर सकता है एक दृष्टिबाधित वेब डिज़ाइनिंग, क्या क्यों इतना आसान है ये? देखिए, बिल्कुल आसान है। अगर जो हम जो भी मन में ठान लेते हैं कि हमें ये चीज करना है, तो फिर कोई भी चीज हमारे लिए कठिन नहीं होता है। चाहे ये वेब डिजाइन हो, चाहे कोई भी चीज हो अपनी जिंदगी में, जो भी हम कर रहे हैं, हम ठान लेते हैं तो वो होता ही है। बात रही वेब डिजाइन की, तो हम कैसे करते हैं, इसके लिए आपको कई सारी लैंग्वेजेस सीखने होते हैं, जो कि कोडिंग वगैरह होती है, HTML हो गया, जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, और भी कई सारे लैंग्वेजेस हैं। इन सारी चीजों को हम सीख करके वेब डिजाइन कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से, और इसे कोई भी कर सकता है। हाँ जी। अच्छा, तो आप इतना क्या वेब डिजाइन के लिए मतलब पढ़ा लिखा होना जरूरी है, या मतलब सामान्य अगर कोई इंग्लिश वगैरह जान रहा है तो भी वो कर सकता है? देखिए, इसके लिए कोई ज्यादा पढ़ा लिखा की होने की जरूरत नहीं है। बस इतना है कि जो हम कंप्यूटर पे लिख रहे हैं या फिर जो कंप्यूटर हमें रिप्लाई कर रहा है, वो चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। अगर जो ये सारी चीजें समझ में आ गई, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मतलब जब हम वेब डिजाइन करने जा रहे हैं, तो जो हमें वहाँ से कंप्यूटर पूछ रहा है कि भाई आगे क्या करना है या क्या स्टेप आगे उठाना है, ये सब चीजों को अगर हम समझ लें कि भाई जी क्या जी कुछ कर सकते हैं, तो वेब डिजाइन कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए कोई एडवांस लेवल की स्टडी की जरूरत नहीं है। तो शुभम जी से आगे जुड़ना चाहेंगे। शुभम जी, जैसे आप लोगों ने इतना सारा कुछ शुरुआत किया ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए, तो क्या ये सब काम बिल्कुल इजिली हो गए? क्या क्या समस्याएं आई आप लोगों को इस सब काम को शुरू करने में, क्या कुछ समस्याएं आप लोगों ने फेस की, हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, समस्याएं बहुत तरीके की आई, समस्याएं भी अलग अलग प्रकार की होती है। सबसे पहले तो हमने समस्या ये देखी कि लोग ऑनलाइन क्लास पे ट्रस्ट ही नहीं करते थे जब हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया, तो फिर लोगों को ट्रस्ट होने लगा। फिर धीरे धीरे हमने प्रॉब्लम फेस की, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लेवल के ऑर्गेनाइजेशन वगैरह थे, तो हमारे पास कोई नहीं आता था ऑनलाइन क्लासेस के लिए, हमारे पास लोगों को ट्रस्ट नहीं होता था। फिर धीरे धीरे वो भी गेन होने लगा, है ना, और
फिर समस्या ऐसी रही, और जैसा कि कुछ कई बार ऐसा भी हुआ कि हमने कई कोर्सेज स्टार्ट किए लेकिन वो खाली गए, उसमें कोई भी इनरोलमेंट नहीं है। अच्छा अच्छा लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया फिर हमारा सारा कुछ अच्छा होते गया और आज हमारे पास स्टूडेंट्स की संख्या 300+ है। और ऐसे ही कुछ कुछ समस्या आती रही। अच्छा 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 तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरी जानकारी लिखी सुबह जी। तो प्रिंस जी आपके साथ जुड़ेंगे तो क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब कि जैसे कोई हम लोग कोर्स लॉन्च करते हैं या कोई भी ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए कुछ भी वर्क करते हैं, तो फाइनेंशियली आप लोगों ने कैसे इस समस्या का समाधान किया? भाई आप लोग तो स्टूडेंट ही थे, ऐसा तो है नहीं कहीं से अर्निंग आप लोग कर रहे थे, तो फाइनेंशियली क्या कुछ सपोर्ट कहीं से मिला या कैसे आप लोगों ने इसको समस्या का समाधान किया? नहीं देखिए, एक्चुअली बात ऐसी है कि जब हम ऑनलाइन में कक्षाएं स्टार्ट किए थे तो हम लोग खुद टीच करते थे, तो उस टाइम पे हमें उतनी पैसे की तो जरूरत नहीं थी, ठीक है, कि हम टीचर कैसे प्रोवाइड करवाएं और उनको मंथली फी दें उसके बाद टीचिंग करवाएं, तब जा करके हमें पैसे की जरूरत पड़ती। हाँ, लेकिन सबसे पहले तो हम लोगों ने खुद से स्टार्ट किया फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स। उसके बाद धीरे धीरे जब हमने देखा कि अब हमारे पास स्टूडेंट आ रहे हैं तो हमें भी थोड़ा बहुत तो टीचिंग और भी कई सारे प्रकार के कोर्सेज लाने थे, तो आपको ये भी पता ही होगा कि हर चीज में एक कोई व्यक्ति उत्तीर्ण नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम लोगों ने टीचर भी प्रोवाइड करवाया स्टूडेंट से फी लेकर के, बहुत ही कम फी लेकर के हम लोग कोर्सेस भी लाए हैं, तो उससे जो भी हमें आया है पैसे उससे हम टीचर को दे करके हम स्टूडेंट को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की है। अच्छा अच्छा, मतलब एकदम कम बजट में आप लोगों ने काम शुरू किया, और खासतौर से पहले आप लोग स्वयं ही पढ़ाते थे तो उस समय कोई पैसे की जरूरत नहीं थी, आप लोग स्वयं ही टीचिंग करते थे, तो ये बहुत अच्छी बात है और वास्तव में ऐसा होना भी चाहिए हमारे कम्युनिटी में कि कुछ लोग ऐसे आगे निकल कर आएँ जो टीच करें, स्वयं से ही टीच करें और हमारे दुश्मन समाज साथियों को जिससे लाभ हो। तो शुभम जी, यश जी, आप लोगों ने इतनी सारी जानकारी दी, तो हम आगे जुड़ना चाहेंगे, तो अभी जो जो कोर्स चल रहे हैं आपका, उस कोर्स के बारे में हमारे श्रोताओं को प्रिंस जी आप बताएं, आप क्या क्या कोर्स अभी चल रहे हैं फिलहाल में? अभी देखिए हमारे पास वेब डेवलपिंग की भी कोर्सेज हैं और डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स है जहाँ से कि आप अर्न करना सीख सकते हैं, है ना, आप अपने डिपेंड हो सकते हैं, और भी कई सारे कोर्सेज हैं और कोर्सेज के बारे में शुभम सर बताएंगे। जी, तो शुभम सर बताएं। सर, और इतने सारे कोर्सेज हैं, हमारे कोर्सेज में अगर हम बात करें तो वैरायटी ऑफ कोर्सेज है, कंप्यूटर से रिलेटेड सभी चीजें जैसे बेसिक टू एडवांस, अलग अलग उसके सब टॉपिक्स जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट, और डेवलपमेंट फील्ड में हम देखें तो अलग अलग लैंग्वेजेस के सेपरेट कोर्सेज हैं प्लस फुल वेब डेवलपमेंट है, और फिलहाल हमारी रनिंग में कोर्सेज स्टार्ट होने वाली है उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। जैसे कई सारे लोगों को अभी लैपटॉप यूज कर रहे हैं लेकिन जहाँ भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल्स में ट्रेनिंग हुआ करती थी जब हम 10th या 12th में होते थे वहाँ पे बेसिक कंप्यूटर सिखाया जाता था, जहाँ पे हमें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल सिखाया जाता था लेकिन इंटरनेट नहीं। तो हम 29 तारीख से इंटरनेट कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 1 वीक का, जिसमें हम पूरी लैपटॉप से या डेस्कटॉप से इंटरनेट यूज करना सिखाएंगे, और 1 जून से हमारा एक और कोर्स स्टार्ट हो रहा है। पहले तो मैं बता दूं कि इंटरनेट कोर्स बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ बिल्कुल। ओके ओके। और जो वेब डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है ये इसके बारे में मैं बताऊं तो वही वेबसाइट की डेवलपिंग फुल हम इसके बारे में बताएंगे, इसमें 4-4 लैंग्वेजेस होंगी जैसे कि HTML, CSS, डिजाइनिंग के काम आता है, जावास्क्रिप्ट एंड PHP, ये 4 लैंग्वेजेस होंगी हमारे, और ये कोर्स का ड्यूरेशन 3 मंथ होगा, और 3 मंथ के इस कोर्स में बहुत ही हमने बहुत कम फी रखी, ओनली 1000, जिसको आप पे करके पूरे 3 मंथ हमारे साथ रहकर वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, जो कि 1 जून से स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, आप अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं, हमारे पास
रजिस्ट्रेशन ओपन। तो रजिस्टर करने के लिए क्या करना होगा? अगर कोई दृष्टिबाधित साथी जो इस इंटरव्यू को प्रोग्राम को सुन रहा है वो रजिस्टर करना चाहे आपके वेब डेवलपमेंट कोर्स को या और भी कोई कोर्स को, तो उसे क्या करना होगा? ओके अगर आप थोड़े एडवांस यूजर हैं, आप वेबसाइट के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट का यूआरएल है www.studywithvi.com, studywithvi.com। और या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 7256058976। मैं रिपीट करूंगा 7256058976। कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो शुभम जी, प्रिंस जी, आप लोगों ने जो इतना हमारे ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर देखा जाए तो बिल्कुल मतलब कोई कॉस्ट आप नहीं ले रहे हैं। इतना वेब डिजाइनिंग का कोर्स अगर कोई बाहर करने जाए तो मुझे तो लगता है कम से कम 20-25 हज़ार रुपये उसको लगते होंगे, यहाँ तक मेरा आइडिया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना सस्ता मतलब आप लोग ये कोर्स ला रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं इसमें आप, और इसमें भी आप जो 1000 ले रहे हैं इसमें आप चूँकि टीचर रखेंगे इसलिए उसको पे करेंगे, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप टीचर रखेंगे उसको पे करेंगे इसलिए इतना जी बड़ा जी काम। बिल्कुल बिल्कुल, हम उनके लिए ही लेते हैं। जी 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 तो शुभम जी, प्रिंस जी, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आगे हम आपसे जुड़ना चाहेंगे कि मतलब आगे के क्या इन फ्यूचर आप और कुछ क्या करना चाहते हैं हमारे ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए, इन फ्यूचर में क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, इन फ्यूचर हमारा बस हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि हम पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट एंड ऑल डिसेबिलिटी को हम टेक्निकल एंड एक्सेसिबल एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। क्या बात। और हम कोशिश करेंगे कि आगे हम और तरह तरह के कोर्सेज लाते रहें, वेबिनार लाते रहें। और मैं बता, वेबिनार से मुझे याद है कि कल हमारा एक वेबिनार है जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। अच्छा, तो स्टॉक कल मार्केट? हमारा 3 बजे जी स्टॉक मार्केट के ऊपर हमारा एक वेबिनार। अच्छा, तो इसमें कोई स्पेशलिस्ट आएंगे फिर वेबिनार में? 3 बजे हमारा एक वेबिनार है, आप अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा 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 तो भाई 3 बजे इस वेबिनार है, और जो लोग भी स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं तो वे जरूर जाके यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। जी, और हमारा बस यही मोटिव है, हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन को फैला सके, और दूर दराज के इलाकों में जहाँ फैसिलिटी कम है वहाँ सब ज्यादा कोशिश करते हैं कि एजुकेशन पहुँच सके, और हम इन फ्यूचर यही कोशिश को हम जारी रखेंगे। जी 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 तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपने जीवन के अनमोल समय निकाले इस इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए और इतनी सारी कुछ जानकारी दी। और एक रिक्वेस्ट हम और करेंगे कि आपका जो यूट्यूब चैनल है उसके बारे में भी थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं कि इसकी शुरुआत कब हुई और यूट्यूब चैनल पर क्या कुछ मतलब अपलोड हो चुका है, क्या कुछ श्रोता जाकर वहाँ पर पा सकते हैं। ओके हमारा यूट्यूब चैनल जब ही स्टार्ट हुआ, जब हमने टीम स्टार्ट किया था। जी जी और तो हमारे YouTube चैनल के कुछ शेड्यूल्स हैं, जैसे कि सोमवार को हम वहाँ पे इंग्लिश ग्रामर वगैरह की वीडियोस डालते हैं जहाँ से आप इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। अच्छा, और कुछ अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होती है, तो भी सोमवार को डाली जाती है। वेडनेसडे को हमारा एक वीडियो था जिसमें टेक्निकल स्किल्स वगैरह सीख सकते हैं, टेक्निकल चीजें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या नया हो रहा है, क्या एक अच्छी चीज है ब्लाइंड फील्ड के लिए। अच्छा, अच्छा। क्या नया हो रहा है उसके बारे में हम बताते हैं। और प्लस अगर हम सैटरडे को एक वीडियो आते हैं जिसमें हम जीके के क्वेश्चंस लेकर आते हैं, प्लस में अगर कोई हिस्टोरिकल टॉपिक है या कोई ऐसा टॉपिक है जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो हम वो भी करते हैं सैटरडे को। और एवरी मंथ 21 तारीख को हर महीने की हम एक ऐसे पर्सन का इंटरव्यू भी लेकर आते हैं जो कि ब्लाइंड फील्ड में सक्सेस हासिल की है और ब्लाइंड होते हुए भी अपने स्टडीज के बदौलत कुछ हासिल किया और सक्सेस हो गया अपनी लाइफ। अच्छा 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 बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी के लिए। तो हमारे ब्लाइंड कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इस इंटरव्यू प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग जाइए इस यूट्यूब चैनल पर और वहाँ पर विजिट करिए, जो कुछ भी वहाँ पर अपलोड है, अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं इंग्लिश सीखिए, जीके सीखना चाहते हैं जीके सीखिए, बहुत कुछ है। टेक्निकली कोई मुद्दा है, टेक्निकली कोई इशू है, कोई नया अपडेट है, वो सब जानिए। तो बहुत सारी जानकारी, और हम यहाँ पर श्रोताओं को ये भी बता देना चाहते हैं कि हम लोगों का भी एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है स्पेशल पीपल करके, और हम लोगों का भी छोटा सा प्रयास होता है कि हम लोग भी कुछ एजुकेट करें। और इसके लिए एक लाइव जीके जीएस की प्रतियोगिता होती है हर रोज़ 9:15 से, जो हर रोज़ होती है, और इसमें खासतौर से जो दृष्टिबाधित साथी है उनको
इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और यहाँ पर हर कोई विन करता है और उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है। तो ये एक छोटा सा प्रयास हम लोग भी कर रहे हैं, अब देखते हैं कहाँ तक सक्सेस होते हैं। तो शुभम जी, प्रिंस जी, आप लोगों ने आए, इतनी सारी बातें की, अब चलते चलते हम चाहते हैं कि हमारे उन साथियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं, हिंदुस्तान के कोने से, किसी भी कोने से आपको, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं बस लास्ट में सभी से यही कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी दृष्टि बाधित भाई बहन है, जी जी, बस आप ये मत सोचिए कि हमें ये चीज सीखनी है या हमें ये चीज पढ़नी है तो इसके लिए क्या कठिनाई आएगी। जी जी, ये मत सोचिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, ना ही ये सोचिए कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम और ना ही कुछ हो। बस आपको जो चीज सीखनी है उसे मन में ठान लीजिए और उसको सीखने का प्रयास करिए, पढ़ने का प्रयास करिए। एजुकेशन ब्लाइंड फील्ड में एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल की बात करें तो बिना एजुकेशन के भी बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ब्लाइंड फील्ड में एजुकेशन तो कम से कम जरूरी है हमारे लिए, ताकि हम अपनी लाइफ में कुछ कर सके। तो एजुकेशन में कभी भी सोचना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्या प्रॉब्लम आई है हमें और किस तरह की, और आप बोलिए कि अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने साथियों से बोलिए और जो एजुकेशन की तरफ काम कर रहे हैं और मैजिशियन के टीम्स, उनसे बोलिए, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। बिल्कुल, तो यही मैं कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच। जी जी, तो शुभम जी, प्रिंस जी, आप लोग हमारे इस इंटरव्यू प्रोग्राम में जुड़े, इतना कीमती समय आप लोगों ने निकाला, क्योंकि आप लोगों का समय वास्तव में बहुत कीमती है। कहीं ना कहीं आप लोग हमारे ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए इतना सारा वर्क कर रहे हैं, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।